हरे कृष्णा आज है थर्टी ऑफ डिसम्बर टू जीरो टू टू और हम लोग आज चैतन्य चरितमृत आदि लीला वॉल्यूम वन इंट्रोडक्शन पेज नंबर ट्वेल्व का जो लास्ट पार्ट है वहां से शुरू करेंगे तो ये है चैतन्य चरितमृत सेशन एट सेवन तक हमने हो गया हमने कर लिया था ऑलमोस्ट एक साल हो गए हैं चैतन्य चरितमृत रिकॉर्ड किए हुए वो द रीजन इसके हमेशा मुझे ऐसा फील होता था पहले मैं भगवद्दगीता सेशन कम्पलीट करूँ उसके बाद इस पे आती हूँ क्योंकि ये वाला नॉलेज थोड़ा भारी लगता था सबको लेकिन लेट मी टेल यू की अभी आप लोग रेडी हो ये नॉलेज भी समझने के लिए और आज का सेशन विल भी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्टी नहीं है मैंने थोड़ा हल्का सा ब्राउज किया कि द नेक्स्ट पेजेस और मुझे नहीं लगा कि इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट वो है हम लोग uh, रस लेंगे. Uh, चरिताम्रता सिर्फ uh, एक बुक नहीं है ये है स्तुति ऑफ uh, श्री कृष्णा तो जब हम कृष्णा जी की स्तुति करते हैं उस रस में डूबना जरूरी है तभी हम जस्टिफाई मतलब तो जस्टिस कर सकते हैं चैतन्य चरित मृत के साथ अदरवाइज ऊपर ऊपर से अगर आप समझोगे तो मजा नहीं आएगा ठीक तो सबसे फर्स्ट थिंग की स्माइल एकदम स्माइल करेंगे जैसा हमारा हार्ट चक्र ओपन हो जाए जो भी लाइफ में चल रहा है साइड में करते हैं बोलो कि देखो यू ऑल कैन वेट अभी मेरा ध्यान मेरे प्रभु पे है जिनके वजह से मैं सांस ले रही हूं जिनके वजह से मैंने जन्म लिया है और जिनके पास मुझे जाना है तो बाकी चीजें रियली नॉट मैटर तो अभी हम प्रभु पे ध्यान देंगे तो प्रभु पे ध्यान देने के लिए हमें पहले रिसेप्टिव होना पड़ेगा तो शांति से बैठते हैं with a smile on your face, जोश लाते हैं कि यस आई एम स्टिल ब्रीदिंग मेरे सर पे अभी भी छत है मेरे पास अभी भी इतना कर्मा है कि मैं प्रभु का नाम ले सकूं और प्रभु के बारे में सुन सकूं। और ये साल भी मैंने निकाल लिया बहुत सारे लोग इस साल में नहीं कर पाए मेरे खुद के हित क्लोज दो मतलब नो अलाइव नाउ बट जितना जितना हमें एक एक दिन मिल रहा है लेट अस बी वेरी ग्रेटफुल टू कृष्णा जी कि वो दिन हम ऐसे ही व्यर्थ की चिंताओं में नहीं गवाएंगे हम एक्चुअली कृष्णा जी को समझने में उनसे प्यार करने में एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो इसी से वी विल वोक जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी गौरव भक्त वृंदा बोलो श्री प्रभुपाद की जय प्रभु मैं आपसे क्या बोलूं चैतन्य चैत्यामृत्य जैसे इतना हाई लेवल नॉलेज बोलने के लिए आपने जो मुझे एज माउथ पीस चूज किया मतलब आई एम सो 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 नाइदर एम आई क्वालिफाइड फॉर दिस नॉट डू आई द टैलेंट लेकिन फिर भी आप ये मौका दे रहे हो कि मैं बोल पाती हूँ मैं पढ़ पाती हूं मैं समझा पाती हूं और ये तो मैंने पहले पढ़ा भी नहीं है जैसे जैसे मैंने अपने आप को बोला कि मैं सेशन बनाने के चक्कर में एटलीस्ट पढ़ पाऊंगी अदरवाइज तो टाइम रहता नहीं है लाइफ में तो आपने मुझे वो भी अलाउ किया कि बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के भी अगर आप मुझे बोलने के का मौका दे रहे हो और ये जो मैं बोलती हूँ ये लोगों को समझ में आ रहा है एंड दे आर गेटिंग कनेक्टेड विद कृष्णा सो इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूँ ये आप ही की कृपा है जितने भी वीडियो फीडबैक्स आ रहे हैं अभी ग्रुप में उससे यही समझ में आता है कि पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड टू कृष्णा दे आर सींगस इन देर लाइफ हर एक जिंदगी में चमत्कार हो रहा है किसी न किसी पीड़ा से उनको रिलीफ uh, मिल रहा है और धीमे धीमे वो छोटे छोटे नन्ने नन्ने स्टेप्स ले रहे हैं प्रभु के पास और यही मेरा एम है और आज तो uh, हमारे ग्रुप में जो संतोष भैया है उनका वीडियो फीडबैक इट विल भी रिलीज आफ्टर फ्यू डेज उनका मैं देख रही थी फीडबैक उसी से मुझे जोश आ गया वेन ही वेरी क्यूटली सेट कि uh, चैतन्य चैतामृत से सेशन से उनको मतलब वो सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और भी हमारे ग्रुप में रत्ना मुखर्जी हैं जो कहती हैं कि वो हर दिन एक बिजी सेशन सुनती हैं सो दैट आल्सो गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन कि ऐसे भी लोग हैं जो एक्चुअली पैशनेटली इस नॉलेज को एंजॉय कर रहे हैं इसे फील कर रहे हैं आत्मा में बिठा रहे हैं बाकी तो और है ही हमारे ग्रुप में जो एक एक सेशन आनंद देता इंद्रनील रिंकू ये लोग सब एक एक सेशन को पांच पांच बार सुनते हैं सो so दट वो हर एक सेंटेंस को एब्सर्व कर पाए तो आप सब के लिए आई लव यू और आप आप लोगों ने ही मुझे ये मोटिवेशन दिया है कि मैं ये सेशंस कंटिन्यू करूं, वरना मैं भी ऐसे ही बॉयल पोटेटो स्टेट में रहती हूं कि आज अगर छुट्टी है तो ये काम कर लू वो काम कर लू या तो फिर कुछ भी ना करूं लेकिन जब आप लोग कहते हो कि आपके जिंदगी में इतना ज्यादा फर्क पड़ता है ये सेशन से मुझे मजा आ जाता है कि चलो लेट मी गिव अ ट्राई अगेन सो उसी भाव से थैंक यू सो मच कृष्णा जी फॉर दिस सेशन विल स्टार्ट सो हम लोग शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में है हम हे भगवान अभी तक हम इंट्रोडक्शन में है पेज नंबर ट्वेल्व और ये आपका जो पीडीएफ है उसमें पेज नंबर थर्टी नाइन आप अगर देखो विष्णु डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग से वी विल स्टार्ट सो विष्णु डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग इन ऑर्डर टू क्रिएट ही डज नॉट रिक्वायर द गॉडस लक्ष्मी इन ऑर्डर टू गिव बर्थ टू ब्रह्मा फॉर ब्रह्मा इज बॉर्न फ्रॉम अ लोटस फ्लावर विच ग्रोज फ्रॉम द नेवल ऑफ विष्णु द गॉडस लक्ष्मी सिट्स एट द फीट ऑफ विष्णु एंड सर्व्स हिम In this material world, sex is required to produce children, but in the spiritual world, one can produce as many children as he likes without having to take help from his wife. इसका मतलब ये है कि विष्णु जी को कोई और नहीं चाहिए बच्चा पैदा करने के लिए uh, हम लोगों ने देखा है कि हमारे अर्थ पे एक मेल और फीमेल दोनों चाहिए होता है बच्चा पैदा करने के लिए लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसकी जरूरत नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में विष्णु जी स्वयं ही काफी हैं कम्प्लीट है टू क्रिएट उनको लक्ष्मी जी की जरूरत नहीं है कि वो ब्रह्मा की ब्रह्मा जी को जन्म देने के लिए हमने देखा कि उन्होंने लक्ष्मी जी का सपोर्ट नहीं लिया उनके विष्णु जी के नेवल से मतलब नाभि से ही ब्रह्मा जी का जन्म हो गया तो लोग ये सब विश्वास नहीं करते हैं स्टोरी सोचते हैं क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है बट दिस इज अ फैक्ट ये हुआ है ये हो रहा है और हमने ये भी देखा द गॉडेस लक्ष्मी सिट्स एट द फीट ऑफ विष्णु एंड सर्व इसका मतलब क्या है इसका बहुत गलत इंटरप्रिटेशन निकाला गया है मतलब हमारी सोसाइटी ने इसका बहुत गलत इंटरप्रिटेशन निकाला कि, कि फीमेल शुड सर्व हर हस्बैंड ऐसा नहीं है फीमेल्स को पैर दबाना जस्ट बिकॉज लक्ष्मी जी पैर दबा रही है विष्णु जी का ऐसा बिल्कुल नहीं है इसका मतलब ये है लक्ष्मी मतलब है माया मतलब पैसा अष्टलक्ष्मी मतलब एवरीथिंग हेल्थ से लेकर पैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी से लेकर रिलेशनशिप से लेकर सब कुछ मतलब लक्ष्मी है मतलब पूरा सुख सुख का प्रतीक है अगर आपके घर में लक्ष्मी का वास है कहते हैं मतलब आपकी जिंदगी में सुख है शांति है सक्सेस है सब कुछ है ओके लक्ष्मी का वास नहीं है मतलब ये सब नहीं है आपके लाइफ में तो वो लक्ष्मी जिसके पीछे पूरी दुनिया भागती है मतलब हर एक इंसान पैसे के पीछे भागता है फेम के पीछे भागता है सक्सेस के पीछे भागता है वो लक्ष्मी भी विष्णु जी के अधीन है मतलब वो लक्ष्मी भी किसे पूछती है विष्णु जी को पूछती है वो, वो लक्ष्मी भी विष्णु जी की सेवा करती है तो जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर आप कृष्णा जी की सेवा करो तो आपके पास पैसा तो रहेगा ही बिकॉज जहाँ उनके हस्बैंड है वहां तो वाइफ रहती ही है सो so लक्ष्मी तो ऑटोमेटिकली वहां पे खुश होकर रहेगी जहाँ कृष्णा जी की सेवा होती है तो आपको अलग से ऐसा कुछ आप अब कृष्णा जी को माइनस करके लक्ष्मी जी के पीछे भागेंगे तो थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स इट विल हेल्प बट ओवरऑल में इट वॉन्ट हेल्प दैट मच अगर आप स्मार्ट हो तो आप uh, कृष्णा जी की पूजा करो उनकी वाइफ लक्ष्मी जी उनके साथ ही रहेंगी और आपके जिंदगी में सब कुछ प्रॉपर बैलेंस्ड होगा ऑफ़ कोर्स आपका कर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट कर्मा के बेसिस पे होगा बट दिस इज द मीनिंग ऑफ कि जब लक्ष्मी जी बैठती हैं विष्णु जी के पैर के पास और उन्हें सर्व करती है तो इसका मतलब क्या होता है कि मटेरियलिस्टिक एनर्जी सर्व कृष्णा जी ओनली तो बिना कृष्णा जी के परमिशन के मेट्रलिस्टिक एनर्जी का भी कोई रोल नहीं है तो जब तक हम कृष्णा जी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तब तक हम सब तरफ से सुखी नहीं रह सकते हैं दिस इज और वैसे भी हमें सुखी रहने का एम भी नहीं करना है हमें कृष्णा जी से प्यार करना है दैट्स इट क्यों करना है उसका कुछ आंसर हम खुद को नहीं देंगे करना है क्योंकि हमने इसीलिए जन्म लिया है इसीलिए हमारा एग्जिस्टेंस है कि अगर हम कृष्णा जी से ही प्यार नहीं कर सके तो धिक्कार है ऐसे जीवन पे अगर हम वही नहीं सीख पाए अगर हमने वही फील नहीं किया अगर हमने कृष्णा जी को सेलिब्रेट करना ही नहीं सीखा हर सेकेंड ऑफ आवर लाइफ तो हम क्या कर रहे हैं बाकी सब कुछ तो टेम्पररी है आज है कल नहीं पर जिसके लिए हमने ह्यूमन बॉडी ली अगर हमने वही नहीं किया सो इट इज सिंपली यूजलेस ठीक है तो लेट अस स्टार्ट द स्तुति ऑफ कृष्णा जी बाय अंडरस्टैंडिंग हिम उनके बारे में समझते हैं और एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं बिकॉज वी हैव नो एक्सपीरियंस विद स्पिरिचुअल एनर्जी वी थिंक दैट ब्रह्माज बर्थ फ्रॉम द नेवल ऑफ विष्णु सिंपली अ फिक्शनल स्टोरी हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है ब्रह्मा जी कैसे क्या नाभि से निकल सकते हैं वी आर नॉट अवेयर दैट स्पिरिचुअल एनर्जी सो पावरफुल दैट इट कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग स्पिरिचुअल एनर्जी इतना पावरफुल होता है कि वो कुछ भी कर सकता है मटीरियल एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन सर्टन लॉस बट स्पिरिचुअल एनर्जी इज फुली इंडिपेंडेंट मटीरियल एनर्जी मतलब आप जो हमारे आसपास जो अर्थ पे जो देख रहे हो दैट इज मटीरियल एनर्जी उसको कुछ लॉज फॉलो करना पड़ता है वो ऐसे ही बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है कोई एक मेल अपना बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है बिन, बिना बिना फीमेल के और भी बहुत कुछ लॉज हैं मटेरियल एनर्जी के लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी फुल्ली इंडिपेंडेंट है स्पिरिचुअल एनर्जी कुछ भी कर सकती है ब्रह्म इज बोर्न फ्रॉम द नेबल ऑफ गर्भोद्यक्षी विष्णु हु इज बट अ पार्शल मैनिफेस्टेशन ऑफ महाविष्णु काउंटलेस यूनिवर्स इज रिसन ही अब गर्भोद्यक्षी विष्णु जी कौन है आप लोग बोलोगे की यार अभी तक तो कृष्णा जी बोलते थे उसके बाद विष्णु बोले अब ये गर्भोद्यक्षी विष्णु कौन है उनके कोई कजन है क्या नहीं मैं आई uh, अगर आप एक फोटो देख पाओगे वेट लेट मी जस्ट शेयर द फोटो हाँ आई थिंक अभी आप देख पाओगे फोटो को Uh, ये जो आप देख रहे हो तो ये गर्भोद्यक्षी विष्णु ठीक है सो कृष्णा फर्स्ट हिमसेल्फ द महाविष्णु फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ़ क्रिएशन अनलिमिटेड यूनिवर्स इज एक्सपैंड फॉर्म स्पोर्ट्स द महा विष्णु एंटर्स यूनिवर्स ईच इंडिविजुअल यूनिवर्स एज द गर्भोद्यक्षी विष्णु सो इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाती हूँ सबसे पहले कौन है कृष्णा? कृष्णा से आए महाविष्णु ठीक है ये है महाविष्णु 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 से आते हैं गर्भोद्यक्षी विष्णु और गर्भोद्यक्षी विष्णु से इन एवरी गोल्डन इनटू तो एवरी गोल्डन यूनिवर्स प्रवेश करते हैं गर्भोदयक्षी विष्णु ठीक है और शिरोदक्षी विष्णु जो आप राइट में देख रहे हो वो है सुपर सोल जो एंटर करते हैं सबके दिल में हर एक दिल में जो कण कण में है हर मन में है जो मैं कहती हूं दैट इज शिरोदक्षी विष्णु ठीक है वो सुपर सोल है शिरोदक्षी विष्णु सुपर शुप, शुप, सोल है और गर्भोदाक्षी विष्णु यूनिवर्स में मतलब तो पूरे यूनिवर्स को बनाने के लिए आप ऐसा सोचो कि इम्रेग्नेट करते हैं ना मटेरियल नेचर के साथ वो है गर्भोद्या विष्णु ठीक है तो महाविष्णु हो गए गर्भोद्या विष्णु हो गए शिरोदक्षी विष्णु हो गए और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आ, जो मैंने फोटो में जो शेयर कर रही दिस वन ये है कि कैसे जब विष्णु जी इनहेल करते हैं तो सारे यूनिवर्स इन्हें सांस लेते तो सारे यूनिवर्सेस उनके अंदर चले जाते हैं और जब वो एक्सेल करते हैं तो सारे अनलिमिटेड यूनिवर्सिस उनके बाहर आते हैं ठीक है फ्रॉम पोर्स बोला जा रहा है हमें लगता है कि नाक से इनहेल करते हैं विष्णु जी को कृष्णा जी को नाक की जरूरत नहीं पड़ती है उनका हर एक बॉडी का पार्ट हमने ये पढ़ा था हमने ये किसने पढ़ा था आई डोंट रिमेम्बर या तो भगवत गीता में या श्रीमद भागवतम या चैतन्य चरितमृत में पढ़ा था कि जैसे हमारी बॉडी डिपेंडेंट है हमारा हर एक ऑर्गन वो फंक्शन करता हम नाक से खा नहीं सकते हम हम कान से गा नहीं सकते लेकिन विष्णु जी की बॉडी या कृष्णा जी की बॉडी में जो भी पार्ट्स है वो हर एक फंक्शन कर सकता है तो हर एक पोर से क्रिएशन निकल रहा है हर एक पोर के अंदर क्रिएशन जाता है तो ये ये समझा इजी है इतना समझ में आ गया डरना नहीं है इतना बड़ा नाम देख के डरना नहीं है सो कृष्णा फर्स्ट एक्सपैंड महाविष्णु हमने महाविष्णु वाली फोटो देखी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ क्रिएशन क्रिएशन के लिए पहले महाविष्णु uh, के तरह मतलब महाविष्णु आते हैं फिर जब वो एक्सहेल करते हैं अनलिमिटेड यूनिवर्सेज एक्सपैंड फ्रॉम हिज पोर मतलब जब वो सांस छोड़ते हैं उनके हर एक पोर्ट से बहुत सारे यूनिवर्सेस निकल आते हैं the mahavishnu then expands himself and enters each individual universe as garbhodakshi vishnu har ek universe mein fir mahavishnu enter karte hain kaise as garbhodakshi vishnu har ek universe mein fir wo enter karte hain theek अब वो जैसे गर्भोदक्षी विष्णु बन के हर एक यूनिवर्स में एंटर करते हैं उसके बाद कर्णोदक्षी विष्णु बनकर वो super soul मतलब परम आत्मा के रूप में हर एक इंडिविजुअल में enter करते हैं क्लियर हो गया ठीक है सो आई विल अगेन गो बैक और शेयर करती हूं मैं अपना पीडीएफ राइट ओके सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा इज बोर्न फ्रॉम द नेबल ऑफ गर्भोद्यक्षी विष्णु मैनिफेस्टेशन ऑफ महाविष्णु ठीक ये समझा ब्रह्मा जी नाभि से गर्भोदाक्षी विष्णु के निकले जो कि एक पार्शल मतलब महाविष्णु से जो गर्भोद्या विष्णु आए गर्भोद्यक्षी विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी निकले

चमड़ी के ऊपर जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उसे पोर्स कहा जाता है वहां से हमें हमारा पसीना निकलता है तो एक पसीने के जैसे महाविष्णु जी का क्या निकलता है यूनिवर्सेस निकलते हैं ठीक आप सोच रहे हो फिर हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं पसीने जैसे उनके एक एक मतलब यूनिवर्स निकलता है जस्ट लाइक छोटे छोटे बीज होते हैं ना जो वैसे निकलता है

हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि उनका एक मतलब व्हाट वन ब्रेथ का ड्यूरेशन सांस सांस लिया सांस छोड़ा ये इसका कितना कितना बड़ा होगा ये पूरा हो गया अप्रोक्सीमेटली आप ऐसे सोचो यूनिवर्स क्रिएट हुआ सारे युग आ गए अपना स्टार्टिंग से सत्युग फिर त्रेता युग फिर द्वापर युग फिर कलयुग ये सारा पूरा खत्म हो गया और फिर यूनिवर्स फिर से अंदर ले लिया जैसे ही उन्होंने मतलब सांस लिया तो सांस छोड़ा पहले यूनिवर्स बने ये सारे त्रेता ये सारे युग्स चार युग्स हो गए सांस लिया यूनिवर्स उनके अंदर चले गए ये है उनका एक सांस ये इत, इतना लंबा ड्यूरेशन होता है उनका एक सांस हम क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम कित, मतलब हम तो चलो फिर भी ठीक है हम बिलीवर्स हैं बट जो नॉन बिलीवर्स हैं जो अपने आप को भगवान के साथ कंपेयर करते हैं उन सच में पे हंसी आती है कि क्या हो मतलब मंडूक हो आप लोग वो कुएं के छोटे से क्यूट से मेंढक जिसको कुछ दिखता नहीं है इनको परसीव करने के लिए उनको समझने के लिए विष्णु जी को समझने के लिए कृष्णा जी को समझने के लिए कितना ज्यादा सरेंडर की जरूरत है देखिए कोई भी चैतन्य चरित्र में तो खोलेगा ना वो तो ज्यादा अब आगे नहीं बढ़ पाएगा वो एक दो तो पेजेस भी पढ़ा तो भी इट्स इट्स अलॉट क्योंकि जब तक वो भाव नहीं आता जब तक वो सरेंडर नहीं आता जब तक वो इश्क नहीं होता है आप आगे नहीं बढ़ पाओगे आप ये एंजॉय नहीं कर पाओगे ये जो इन्फॉर्मेशन है अगर आप बिना भाव के बिना प्रेम के बिना इश्क के अगर आप ये सेंटेंस पढ़ते हो अच्छा ओके महाविष्णु ऐसे लेते हैं सांस ऐसा अंदर चला जाता है फिर ये बाहर आ जाता है एंड ऑल दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड द मैग्नेटी ऑफ विष्णु मतलब वो कितने बड़े हैं वो कितने महान है वो आप समझ नहीं पाओगे जब तक आप उन्हें सेलिब्रेट नहीं करते हो तो जब मैं आप लोगों को बताती हूँ यू शुड सेलिब्रेट कृष्णा मतलब यही है कि हर एक चीज को समझो फील करो अपने अंदर ओके लॉर्ड ब्रह्मा ओनली लिव्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ वन ब्रेथ मतलब ब्रह्मा जी की आयु ब्रह्मा जी की आयु कितनी एक सांस विष्णु जी की एक सांस है ये जो लिखा गया है कितना है यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख रोड और ये बापरे अभी आप ये जो फोर थ्री टू जीरो उसके बाद और छह जीरो लगाकर इतने साल कंस्टिट्यूट

होल लाइफ ऑफ ब्रह्मा इज कंटेड विद इन वन ब्रेथ ऑफ महाविष्णु और ये पूरी जो उनकी उनकी लाइफ है ये हंड्रेड इस की जो इनकी लाइफ है मतलब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो आपको पता नहीं कितना बड़ा फिगर आएगा मैं नहीं बोल सकती हूँ वो सिर्फ वन ब्रेथ है एक सांस है महाविष्णु का मतलब इनहेल एक्सलेशन वाला एक साइकिल विष्णु जी का है दस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एस टू इमेजिन द ब्रीदिंग पावर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड That ष्णु इज बट अ पार्शल मैनिफेस्टेशन ऑफ Krishna. दस कृष्णा था और वो भी क्या है <laughs> महाविष्णु कितने महान है okay. पर वो भी सिर्फ एक छोटे से मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा है मतलब सोचो कृष्णा क्या है फिर समझ रहे हो अगर ब्रह्मा जी इतने महान है और ब्रह्मा जी का जो पूरा हंड बारह घंटे हैं वो इतने सारे साल हैं और उनका उनका जो जीवन का पूरा स्पैन है लाइफ स्पैन है दैट इज ऑफ इयर्स वो महाविष्णु का सिर्फ एक वन ब्रेथ है और महाविष्णु सिर्फ एक पार्शियल मैनिफेस्टेशन है कृष्णा के मतलब छोटे से मैनिफेस्टेशन छोटा सा एनर्जी लेकर कृष्णा जी के महाविष्णु आए हैं तो कृष्णा जी क्या होंगे तो अगर फिदा होना है तो कृष्णा जी पर हो क्या इधर उधर लोगों पे फिदा होकर क्या मतलब दिन भर किसके बारे में हम सोचते रहते हैं जो हमारे लाइफ में नहीं रहते उनके बारे में हम सोचते रहते हैं या जो चीज हमारे लाइफ में नहीं है उनके बारे में सोचते रहते हैं या हम अपने परेशानियों के बारे में सोचते रहते हैं अब आप समझो कृष्णा जी के सामने हमारे परेशानियों का क्या वेटेज है क्या वेटेज है कुछ भी नहीं है तो चलो ना जब तक सांस चल रही है जब तक आंख से दिख रहा है जब तक कान से सुनाई दे रहा है जब तक दिमाग इस बात को प्रोसेस कर पा रहा है समझ पा रहा है कर लेते हैं पता नहीं बाद में मौका मिले ना मिले दस कृष्णदास कविराज गोस्वामी डिस्कस लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु एस श्री कृष्णा हिमसेल्फ सुप्रीम supreme ऑफ गॉड हेड एंड लॉर्ड नित्यानंदा एज द बलराम द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा कृष्णा जी का फर्स्ट एक्सपेंशन कौन है मतलब एक्सपेंशन हम क्यों बोलते हैं क्योंकि उनसे निकल निकले कौन निकले बलराम निकले तो कृष्ण कविराज गोस्वामी जी जो जिन्होंने ये लिखा है वो कहते हैं कि है नित्यानंद है बलराम अद्वैत आचार्य अनदर प्रिंसिपल डिसाइपल ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इज एक्सेप्टेड एज एन एक्सपेंशन ऑफ द महाविष्णु अद्वैत आचार्य कौन है जब हम बोलते हैं ना हम जो जो मंत्रा बोलते हैं हम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी गौर भक्त वृंदा ये बोलते हैं तो उनमें हम जिन गुरुओं का नाम लेते हैं उनमें से एक है अद्वैत आचार्य तो ये कौन है ये अनदर प्रिंसिपल डिसाइपल ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु है एंड इज एक्सेप्टेड एज एन एक्सपेंशन ऑफ महाविष्णु मतलब जो स्टूडेंट uh, है चैतन्य महाप्रभु जी के स्टूडेंट है अद्वैत आचार्य पर वो एक्सपेंशन है ऑफ महाविष्णु महाविष्णु से वो निकले तो ये जो सारे लोगों का हम नाम ले रहे हैं अल्टीमेटली वो कौन है सब कृष्णा है समझ गए लेकिन इन गुरुओं का आशीर्वाद लेकर ही हम कृष्णा जी का नाम चैंट कर पाते हैं अद्वैत अद्वैत आचार्य लॉर्ड लॉर्ड। और मोर एन एक्सपेंशन ऑफ़ वर्ड मतलब है जिसमें डुअलिटी एग्जिस्ट नहीं कर, करती है डुअलिटी आपको बताया था मैंने सेशन में गर्मी ठंडी ये वो सभी डुअलिटीज dual, है इसके ऊपर उठना है तो अद्वैत मतलब है के परे जो नॉन डुअल है ही इज ऑल्सो कॉल्ड आचार्य आचार्य मतलब है टीचर बिकॉज ही डेसिमिनेटेड कृष्णा कॉन्शियसनेस उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस पूरा प्रॉपरली सिखाया

हमें आता ही नहीं है कि कृष्णा जी से कैसे प्रेम करना कैसे भक्ति करनी तो कृष्णा जी को स्वयं आना पड़ा कि अच्छा बच्चों मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ रहा हूँ सिखाने कि कैसे मेरी भक्ति की जाए क्योंकि हम लोग इतने बुद्ध हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता हम एक बार आ जाते हैं इस मेटरिस्टिक लाइफ में माया आंटी हमको ऑक्टोपस जैसे पकड़ लेती है हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है और हम आजू बाजू के अगड़म बगड़म चीजों में उलझ कर जितना फालतू काम कर सकते हैं करते हैं लेकिन जो वो पूरा नेक्टर है जो वो पूरा मतलब ट्रेजर है, हम उसी से खुद को दूर कर लेते हैं। तो प्रभु ने बहुत टाइम तक देखा होगा, तो लगा रहे यार इन लोगों के भरोसे रहने से तो कुछ होने वाला है नहीं इनसे कुछ ना हो पाए तो उन्होंने सोचा कि मुझे ही आना पड़ेगा तो वो आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ, मतलब चैतन्य महाप्रभु कौन है जैसे मैंने कहा कि राधा माँ का रूप लेकर उनकी राधा माँ की भक्ति कृष्णा जी के प्रति जैसे होती वो सब कुछ लेकर वो जन उन्होंने जन्म लिया कृष्णा की भक्ति करने के लिए ठीक ऑल्सो द लॉर्ड इनकारनेटेड एज डिवोटी अद्वैत आचार्य भी अभी बताया की कृष्णा जी स्वयं आए सिखाने को और वो अपने डिवोटी के रूप में भी आए ये ये जो सारे जिनका नाम लिया है वो उनके डिवोटीज है उनके भक्त है उनके रूप में भी आए हमें सिखाने के लिए हम में से कितने लोगों ने चैतन्य चरितमृता पढ़ लिया कितना मेहनत करते हैं प्रभु मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि हम सब लोग एक हमने सब एक स्कूल ज्वाइन किया या कोई एक कॉलेज ज्वाइन किया और जो टीचर्स हैं वो अलग अलग वे से हमें समझा रहे हैं कोई प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से समझा रहा है कोई सामने आके सिखा के समझा रहा है कोई ऑनलाइन सिखा रहा है कोई मॉडल करके बनाकर बता रहा है हम वो सब कुछ ना करके बाहर समोसे की दुकान पे हमारा ध्यान है वेस्ट, वेस्ट। इट तो आप सब लोग इंक्लूडिंग मी थोड़ा जागते हैं जागो ग्राहक जागो क्योंकि हमें इस इनकॉर्नेशन में सच में टाइम ना वेस्ट करके बहुत कुछ कर लेना है अब तो थोड़ा सा आलस थोड़ा सा ये मंद बुद्धिगिरी को साइड में रखकर अस ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णा कौन है ठीक जिन लोगों ने अब तक भगवत गीता ही नहीं खत्म किया uh, मेरे जो जितने भी सेशंस से, से, है सिक्सटी सिक्सटी वन सेशन है थोड़ा स्पीड बढ़ाइए वो नहीं समझोगे तो चैतन्य चैतन्यता का रस नहीं ले पाओगे वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ जितना इजी करके जितना इसको नीचे लेवल पर लाकर इजी लैंग्वेज में समझाना बट फिर भी फर्क पड़ता है पड़ता है और जो लोग संडे सेशंस नहीं आते हैं वो और आप मिस कर रहे हो ये है आपका कोचिंग क्लास संडे सेशन है एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं आपके टीचर्स कि जैसे कि आप मेरा, मेरी बात जो में है, उसको और इजीली विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेश समझाते हैं so cute. वो उसको और आपके लिए इजी करते हैं अगर आप वो भी मिस करते हो तो देन इट इज अ वेस्ट ना इट्स अ शेम तो ट्राई करिए कि जो भी हम मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करते हैं बिकॉज हमारा इतना ध्यान होना चाहिए कि हमारी आत्मा और शरीर इंटैक्ट रहे उसकी उसी के लिए जॉब उसी के लिए खाना बनाना पड़ता है और हमारे जो कार्मिक ऑब्लिगेशंस होते हैं उनका ध्यान रखना इट्स थ्री थ्री इम्पोर्टेंट थिंग्स वन इज की हमारी आत्मा शरीर इंटैक्ट रहे उसको रखने के लिए हमें खाना खाना पड़ेगा उसके लिए हमें जॉब करनी पड़ती है एक प्रॉपर घर बनाना पड़ता है जिसमें हम जैसे अभी मैं मेरा एक घर है तो मैं शांति से ये सेशन ले सकती हूँ मैं रास्ते पे बैठकर तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगी इसके लिए मुझे मेरे लिए घर चाहिए और एक शांत एनवायरमेंट चाहिए जो भगवान की कृपा से है अब तक तो है ओके आ, ये अचीव करना है सेकंड अचीव करना है कि इतना पैसा रहे कि मैं खा सकूं और अपने जो मेरे डिपेंडेंट्स हैं उनको खिला सकूं डिपेंडेंट के डिपेंडेंट्स तक नहीं जाना है एटलीस्ट मेरे डिपेंडेंट्स तक खा सके इतना और आ, कार्मिक ऑब्लिगेशंस जो है उनका प्रॉपर टेक केयर कर सकूं कार्मिक ऑब्लिगेशंस में आ जाते हैं आपके स्पाउस आते हैं आपके बच्चे आ जाते हैं आ, आपके पेरेंट्स एंड इन लॉज अप टू सम आते हैं लेकिन मेनली आपके बच्चे आते हैं ठीक तो अपने कार्मिक ऑब्लिगेशंस का भी ध्यान रखकर ये सब कुछ एक बैलेंस स्टेट में रखकर दिस शुड बी जस्ट ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट हमारे लाइफ के बाकी सब कुछ होना चाहिए ये भक्ति मैंने कभी नहीं कहा कि आप सब कुछ छोड़कर हिमालय पे चले जाओ मैं मैं खुद वो नहीं करती हूँ क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट अगर नहीं इम्पोर्टेंट होता तो भगवान भाग, हमको ये नहीं देते दिस इज इम्पोर्टेंट लेकिन मेरी घंटी बजे अभी मेरे सेशन में डिस्टरबेंस हो रहा है विच आई डोंट लाइक जो भी हो अभी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती हूँ दे कैन गो बैक क्योंकि मैं अभी भगवान की स्तुति कर रही हूँ आई होप फिर से घंटी ना बजाए अभी मैं बोल रही थी ना शांति वाला एनवायरमेंट देखो कैसा आप आ गया राइट hmm. सो right, so, ठीक है uh, हम लोग ये करते हैं will will go further since this is since this is the case if we take shelter of chaitanya mahaprabhu for the successful execution of krishna consciousness we are sure to make progress are yaar mujhe jaana padega just a minute मैं ये ऐसे छोड़ के जाती हूं आप लोग 2-3 मिनट प्लीज ignore uh, कर देना Sorry, sorry, sorry. Okay, so we'll go further. In this case, if we take shelter of Chaitanya Mahaprabhu for the successful execution of Krishna consciousness, we are sure to make progress. One devotional song by Narottam Das Thakur states, "My dear Lord Chaitanya, please have mercy upon me. There is no one who is as merciful as you." माई प्ली इज मोस्ट अर्जेंट बिकॉज योअर मिशन इज टू डिलीवर फॉलन सोल्स एंड नो वन इज मोर फॉलन देन आई आई बेग प्रायोरिटी इससे क्या याद आया जो लोग सिंसियर मेंबर्स हैं उनको याद आ गया होगा नरोत्तम दास ठाकुर वाला कौन सा गाना मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया था गो रंगो को रू ना करो जिन्होंने नहीं सुना आप लोग जाके सुन सकते हो उसमें नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि प्रभु आप पतित पावन हो आप, आपका नाम ही है कि आप पतित पावन हो और मुझसे पतित तो कोई है ही नहीं मतलब मुझसे गिरा हुआ तो कोई है ही नहीं तो मैं आपके लिए मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरा उद्धार करो ठीक है तो आप लोग वो गाना सुन सकते हो जाके द ऑथर ऑफ चैतन्य चरित कृष्णदास कविराज गोस्वामी

बंगाल में वेस्ट बंगाल में एक कटवा बोल के रीजन है वहां रहते थे और उनकी फैमिली भी राधा कृष्णा की भक्ति करती थी लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आ, उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ फैमिली के साथ तब सपने में नित्यानंद प्रभु आए और उन्होंने कहा कि आप वृंदावन जाइए तो वो बहुत बूढ़े थे बट फिर भी उसी रात वो निकल पड़े वृंदावन के लिए अब आप सोचिए कितनी श्रद्धा अपने गुरु के प्रति तो व्हाइल ही वाज देयर ही मेट सम ऑफ द गोस्वामीज जब वो वृंदावन में थे उन्होंने कुछ कुछ गोस्वामीज के साथ उनकी मुलाकात हुई प्रिंसिपल डिसिपल्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जो कि मेन स्टूडेंट्स थे चैतन्य महाप्रभु के उनके साथ मुलाकात हुई ही वाज रिक्वेस्टेड टू राइट चैतन्य चरितामृत बाय द डिवोटीज ऑफ वृंदावन ऑल्दो ही बिगन वर्क एट अ वेरी ओल्ड एज बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड चैतन्य ही फिनिश्ड इट मतलब भले उन्होंने uh, मतलब इतना क्या कहते हैं hmm. बुढ़ापे में ये शुरू किया लिखना फिर भी उन्होंने खत्म किया और हम लोग सोचो खत्म ही नहीं कर पा रहे अभी तक हम इंट्रोडक्शन में अटके हुए हैं टुडे इट रिमेन्स द मोस्ट अथोरिटेटिव बुक ऑन चैतन्य फिलोसफी लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट बुक है ये मतलब इससे प्योर बुक है नहीं वेन कृष्णादास कविज गोस्वामी वॉज लिविंग इन वृंदावन देर वर नॉट वेरी मेनी टेम्पल्स उस समय पे वृंदावन में बहुत सारे मंदिर नहीं थे एट दैट मदन मोहन गोविंद जी एंड गोपीनाथ वे द्री प्रिंसिपल टेम्पल्स वृंदावन में मदन मोहन टेम्पल गोविंद जी और गोपीनाथ ये तीन इम्पोर्टेंट टेम्पल्स थे एज अ रेसिडेंट ऑफ वृंदावन ही ऑफर्ड इज रिस्पेक्ट टू द डीटीज इन दिस टेम्पल्स एंड रिक्वेस्टेड गॉड्स फेवर तो इन्हीं मंदिरों में जाकर वो पूजा करते थे और उनको रिक्वेस्ट करते थे कि प्रभु कृपा करो और क्या कहते थे माय प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी स्लो सो आई एम आस्किंग योर हेल्प वो कह रहे थे कि स्पिरिचुअल लाइफ में मेरी प्रोग्रेस इतनी स्लो है कि प्रभु प्लीज कृपा करो जो इंसान चैतन्य चरित्रमृत लिखता है वो कहता है कि उसकी प्रोग्रेस स्लो है तो हम कहाँ है सोचो कितने हम्बल होते हैं कृष्णा जी के डिवोटीज कितने डाउन टू अर्थ होते हैं और हम अपने आप को कितना महान समझने लगते हैं अचानक से राइट तो वी शुड चेक आवर सेल्फ कि क्यों होना चाहिए हमारे साथ सब कुछ अच्छा कभी कभी हमें लगता है ना कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है मेरे साथ वो गलत हो रहा है बट हम कहाँ खड़े हैं इन लोगों को देखो ये डिवोटीज को देखो एक सपना आता है रात को घर द्वार सब छोड़ के फैमिली छोड़ के चले जाता है किसी दूसरे सिटी में रहने के लिए ना उनके पास जॉब होती है ना उनके पास पैसा होता है भगवान के भरोसे वो चले जाते हैं और वो चैतन्य चरित जैसे बुक लिखते हैं वो भी बुढ़ापे में ऐसा नहीं कि यंग एज में प्रभुपात जी को देखो कहा मतलब कहाँ से कहाँ चलेगा और क्या क्या किया और लिखकर वो भी फिर भी कहते हैं कि मेरा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इतना स्लो है प्रभु कृपा करो तो हम क्या है फिर हम कहा खड़े हैं वी शुड एक्चुअली इन चैतन्य चरित्र कृष्ण दास फर्स्ट ऑफर्स विग्रह ओबिसग्रह डी टी हु कैन हेल्प अस प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस तो सबसे पहले दास किसे प्रणाम कहते हैं मदन मोहन विग्रह को विग्रह मतलब जो मूर्ति होती है मदन मोहन की जो मूर्ति है जो मंदिर में उनको सबसे पहले वो प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि प्रभु प्लीज कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस में हेल्प करो इन द एग्जीक्यूशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस आवर फर्स्ट बिजनेस इज टू नो कृष्णा एंड आवर रिलेशनशिप विथ हिम ये सबसे इंपॉर्टेंट है जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के रास्ते पे चलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है ये जानना कि हमारा कृष्णा के साथ रिश्ता क्या है

कि प्रभु हमको पहले ये समझाइए सिखाइए कि मेरा रिलेशनशिप विद कृष्णा क्या है वो हेल्प करते हैं तो यहाँ कह रहा कहा जा रहा है कि अगर आप खुद को जानना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना और कृष्णा जी का रिलेशनशिप समझना होगा जब आप आपका और कृष्णा जी का रिलेशनशिप समझोगे तभी आप खुद को समझोगे तभी आप कृष्णा को समझोगे और ये हेल्प करेंगे मदन मोहन जी तो लेट अस प्रे हम यही बैठ के प्रे करेंगे मुझसे सब लोग कनेक्ट करिए जस्ट आई लव यू बोल के कनेक्ट कर सकते मेरे साथ आप साथ आप लोग आपके मेरा कनेक्शन फॉर्म हो जाएगा जस्ट आई लव यू रूपाली माँ बोलिए मन ही मन सब कुछ छोड़ छाड़ कर जस्ट फोकस हे मदन मोहन जी जो वृंदावन के मंदिर में विराजमान है मैं अपने तरफ से और सारे लोग जो ये ऑडियो सुन रहे हैं मेरे सारे ग्रुप मेंबर्स सारे सोल पीस मेंबर्स सबकी तरफ से आपको एक अर्जी लगा रही हूँ कि प्रभु प्लीज़ 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 हमें भी हेल्प करिए कि हम कृष्णा जी के साथ हमारा जो रिश्ता है वो हम समझ पाए बहुत अच्छे से बहुत डीप में प्रभु जो भी ऑब्सटेकल्स है उसको न्यूट्रलाइज कर दीजिए अगर हमारा कर्मा कम पड़ रहा है प्रभु तो आज मैं ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने ब्लेसिंग से ये कर्मा हमारा जनरेट कर दीजिए प्रभु हम कृष्णा जी से प्रेम करना चाहते हैं हम कृष्णा जी को समझना चाहते हैं हम हमारा रिश्ता कृष्णा जी से समझना चाहते हैं अगर हम यही नहीं समझे तो हम कितने भी जन्म ले ले वो सब कुछ वेस्ट होगा हर जन्म में आप हमें मौका देते हो कि हम कभी तो समझे कभी तो समझे और हम हर जन्म वेस्ट करते हैं तो प्रभु ये जन्म हमारा वेस्ट ना हो हे मदन मोहन जी प्लीज आपके आशीर्वाद से ही ये पॉसिबल है तो प्लीज हमारा जो कृष्णा जी के साथ रिलेशनशिप है वो समझने में हमें हेल्प करिए आशीर्वाद दीजिए राधे कृष्णा कुछ सेकंड्स शांति से बैठिए Just feel the bliss and the energy. When this is established, Krishna ji begins to worship the functional deity Govinda. जैसे हो गया एक रिलेशनशिप समझने वाला एक मदन मोहन जी के साथ एक रिलेशनशिप बन गया आप कृष्णदास क्या करते हैं वो फंक्शनल डीटी गोविंदा से रिश्ता जोड़ते हैं वर्शिप करते हैं गोविंदा रिसाइड्स इटर्नली इन वृंदावन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ वृंदावन द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ टच स्टोन द काउस आर नोन एज गिवर्स ऑफ अबंडेंट मिल्क एंड द ट्रीज आर नोन एज विश फुल ट्रीज फॉर दिल्ड वॉट एवर वन डिजाइन ये किस वृंदावन की बात कर रहे हैं अपने यूपी वाले वृंदावन नहीं गोलक वृंदावन की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या है गोविंदा गोविंद कहाँ रहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरारी हे नाथ नारायण वासुदेव उसमें जो गोविंद नाम आता है कृष्णा का नाम है वो कहाँ रहता है वो रहते हैं गोलक वृंदावन में और गोलक वृंदावन का ही एक डिस्क्रिप्शन दिया है इन्होंने बिल्डिंग्स आर मेड मेड ऑफ टच स्टोन टच स्टोन आपको पता है वो आप लोगों ने बचपन में इंग्लिश बुक में पढ़ा होगा हम लोगों के तो करिकुलम में ही रहता था जिसमें आ, वो अगर आपके पास वो पत्थर है आप जिसको भी उसको टच करा दोगे वो सोने का बन जाएगा ठीक काउज सुरभी काउस सुरभी काउस जो होते हैं वो बहुत दूध देते हैं जब आपको आप चाहो उनसे आप दूध मांग सकते हो वो कंटिन्यूसली देते हैं और विश फुलफिलिंग ट्रीज़, इसका नाम कल्प वृक्ष कल्प वृक्ष के सामने जाकर आप कुछ भी मांगोगे आपको मिल जाएगा तो ये सब कुछ कहाँ है ये वृंदावन में है कहा गोलक वृंदावन में पर वो क्या है हमारे दूध पीने के लिए कि हम दूध निकाल के खीर बनाकर खाए नो no. ये सब कुछ है कृष्णा जी की सेवा कर पाए इसलिए अगर आपका मन है आप कृष्णा जी के लिए खीर बनाना चाहते हो मक्खन बनाना चाहते हो कुछ तब गाय को जाके रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको दूध देंगे उस दूध से आप बनाकर कृष्णा जी की सेवा कर सकते हो ऐसा मैं सोचा एक बार मैं वृंदावन पहुंच गया तो लाइफ सेट है जब चाहू मैं दूध पीऊ जब चाहू पनीर खाऊ जब चाहू इस पेड़ को बोलो मेरे को आम दे जब चाहू उस पेड़ को बोलो एप्पल दे नहीं ये सब कुछ है सो so दैट हम ये सब को यूटिलाइज कर सके कृष्णा जी की सेवा करने में ये क्लियर रखना है मन, दिमाग में। uh, तो, सुरभि गायक क्योंकि कृष्णा ग्वाला है तो वृंदावन में भी वो गोलक वृंदावन में भी वो सुरभी गाय को हर्ड uh, करते मतलब घास खिलाते हैं चराते हैं और जो थाउजेंड्स ऑफ गोपीज हैं हजारों गोपी हैं ये लोग सब कौन है लक्ष्मी जी की ही रूप है ठीक है और सारी गोपीज कृष्णा जी की आ, आराधना करती है वेन कृष्णा डिसेंड्स टू द मटीरियल वर्ल्ड जब कृष्णा जी हमारे अर्थ पे आते हैं द सेम वृंदावन डिसेंड्स एज एन ऑन्ट्राज पर्सोनाज बिकॉज वेन कृष्णा कम्स हिज लैंड ऑल्सो कम्स वृंदावन इज नॉट कंसिडर्ड टू एक्सिस्ट इन द मटीरियल वर्ल्ड इज टेक शेल्टर ऑफ वृंदावन इन इंडिया फॉर इट इज कंसिडर्ड टू बी अ रिप्लिका ऑफ द ओरिजिनल वृंदावन तो जब कृष्णा जी अर्थ पर आते हैं तब पूरा वृंदावन लेकर आते हैं और अपनी पूरी टीम को लेकर आते हैं तो ये जो सेंटेंस है इससे कुछ गुजबम्स फील हुए आपको वेन कृष्णा कम्स हिज लैंड ऑल्सो कम्स उनकी धरती भी आती है उनके साथ तो जो वृंदावन यूपी वाला जो वृंदावन है वो उसको कहा जाता है रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल वृंदावन मतलब अभी सोचो आप ऊपर से एक बड़ा सा स्पेस शिप आया उस स्पेस शिप की क्या एनर्जी होगी वो आके धप से हमारे अर्थ पे लैंड किया तो वो जस्ट जिस लैंड पे उसने लैंड किया वो उसकी एनर्जी उसमें भी ट्रांसफर हुई कि नहीं तो जब कृष्णा जी आए धरती पर अपने ओरिजिनल लैंड किया तो यूपी वाले वृंदावन को उन्होंने ओरिजिनल वृंदावन जैसे बना दिया उसकी एनर्जी अभी भी है यूपी वाले वृंदावन में भले अब वो अपना वृंदावन लेकर ऊपर चले गए हैं बट फिर भी उसकी एनर्जीज अभी भी इन यूपी वाले वृंदावन में एग्जिस्ट करती है हाँ लेकिन वन में कंप्लेन दैट नो विश एग्जिस्ट देयर वेन द गोस्वामीज देयर द कल्प वृक्ष प्रेजेंट अच्छा अभी तो नहीं है कल्प वृक्ष लेकिन जब वो गोस्वामीज थे तब वो कल्प वृक्ष था यहाँ पर

एक रात के लिए रहते थे और वो उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देता था फॉर द कॉमन मैन दिस में ऑल सीम वेरी वंडरफुल बट एज वन मेक्स प्रोग्रेस डिवोशनल सर्विस ऑल दिस कैन बी एक नॉर्मल इंसान के लिए लगता होगा कि वाह सच में ये होता भी है क्या विश्वास नहीं होगा लेकिन जो लोग डिवोशनल सर्विस में आगे बढ़ते हैं वो ये देखते हैं देखो हम लोग तो सच में देखते हैं अभी रिसेंटली क्या हो रहा था हमारे जो कोर ग्रुप मेंबर्स हैं हमारे व्हाट्सएप में जो पी एन ग्रुप मेंबर्स हैं, वो लोग बोल रहे थे कि कभी उनका फेसबुक लॉक हो जा रहा तो कभी उनका वो फेसबुक पे सब कुछ जा पा रहे पर सोलपे ग्रुप पे नहीं जा पा रहे तो कभी उनका आ, ये, ये, मतलब कुछ ना कुछ ये ऑडियो शुरू नहीं हो रहा वो ऑडियो शुरू नहीं होगा तो मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज बताई ठीक है काम करो मेरी फोटो दिखा दिया करो जो भी डिवाइस आपका काम नहीं कर रहा है वो मेरी फोटो दिखा दिया करो जैसे वो फोटो मेरी दिखाते वो काम करना लगता है वो खुद ही बताएंगे आपको फीडबैक्स में ये क्यों हो रहा है वही है कृष्णा जी की एनर्जी मेरे से फ्लो हो रही है जैसे मेरे से फ्लो हो रही है तो जो भी नेगेटिव एनर्जी गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है वो वहीं पे डिसइंटीग्रेट हो जा रहा तो मकल ये मेरा आप, आप लोग अगर ये सेशन सुन रहे हो बहुत एडवांस लोग ही ये चैतन्य तो सुनेंगे इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है ये बोलने में यूजुअली मैं ये सब इन्फॉर्मेशन बाहर रिवील नहीं करती हूँ को समझ में नहीं आता वो फालतू का बदनाम करते हैं फिर बट आप लोग अगर चैतन्य तो, तो अगर आप लोग ऐसा कुछ डिफिकल्टी फेस करो तो या तो मेरी फोटो लगा दो अपने वॉल्स वॉल्स मतलब स्क्रीन पे क्या कहते हैं उसको यार वॉलपेपर बना दो फोटो का फोन पर या फोटो बस मेरे दिखा दो तो अभी तक हेल्प हो रहा है फोटो से मेरी बेटी का आज एस स्टार्ट कर चला रही थी पर पांच-छह बार उस चला लेकिन साउंड ही नहीं आया मुझे नहीं पता था वो बस आई मेरे रूम में मेरी उंगली ली उसने फ़ोन को टच कर दिया तो एस एस आई पी की आवाज़ चलने लगी तो मैं बोला क्या हुआ मेरी उंगली से क्या कर रही है तू बोला अरे मामा वो सुबह से मैं कोशिश कर रही थी साउंड ही नहीं आ रहा था आपकी उंगली टच हुई और शुरू हो गया तो फिर मैंने सोचता मेरा फोटो तो लगा के रखा था ना बोला हाँ मा फोटो तो मेरा मैं बहुत पहले से लगा के रखती तो अगर फोटो काम ना करे तो टच चाहिए सो व्हाट इज टच टच अभी मैं आप सबके घर पे तो नहीं रहती हूँ बट आप बोल सकते हो रूपाली मैं प्लीज एक उंगली से टच कर दीजिए रिक्वेस्ट करके देखो सीफ इट वर्क ऑन उठ अभी तक तो और कोई सोल्यूशन है नहीं इसी से काम चलाइए तो इतना हमें समझना है कि अगर हम कृष्णा जी की आ, मतलब कृष्णा जी का अगर हम डिवोशन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही क्योंकि वी आर वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट माया हम माया के अगेंस्ट पे वॉर कर रहे हैं हम कलियुग के अगेंस्ट पे वॉर कर रहे हैं तो व्हाट इज कलयुग कलियुग इज पूरा हब ऑफ ईवल एनर्जीज ना नेगेटिव एनर्जीज तो ईवल नहीं चाहेगा कि उसका पावर खत्म हो माया भी नहीं चाहेगी कि उसका ग्रिप लूजन हो ये सबसे फाइट करके हमें कृष्णा जी तक पहुंचना है तो अगर मेरे जैसा एक सर्वेंट किसी काम में आ सके तो यूटिलाइज करिए मुझे जस्ट यूटिलाइज मी मेरी फोटो दिखा के मेरा टच वो करवा के कुछ कुछ करके मुझे बुलाकर मिहिका का भी सेम हो रहा था आज कि वो एस एस आई पी चला रही थी नहीं हो रहा था उसने इतना ही बोला रूपाली माँ को बुलाऊं क्या तो चलने लग गया कुछ भी करके बेसिकली मैं क्या कह रही हूँ कि ये रोड ब्लॉक्स मत बनने दीजिए आपके भक्ति में मुझे अगर भगवान ने चूज किया है एस ए सर्वेंट तो उन्होंने मेरे थ्रू उनका पावर भी फ्लो होता है उनकी एनर्जी फ्लो होती है तो यूटिलाइज करिए ये सब अपने मेंटर्स से सीखिए ये मेंटर्स को बोलिए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज आप बताओ क्या करना है वो ही गाइड करेंगे सारे सारे लोग अभी वही कर रहे हैं ठीक तो विल फोकस हेयर तो मैं मेराकल्स की बात कर रही थी फॉर द कॉमन मैन दिस में ऑल सी वेरी वंडरफुल मतलब आ, हम लोग सोच भी नहीं सकते ना कल्प वृक्ष एग्जिस्ट भी करता है तो मैं आपको यही बता रही कि इसीलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया कि मेराकल्स होते हैं हम हमारे साथ तो होता ही है एवरी होता है ये समझ में नहीं आता जैसे आपको समझ में नहीं आएगा कैसे कैसे रूपाली के टच से ऐसा हो जा रहा है बट आप इतने सारे जो फीडबैक्स देख रहे हो आप देख रहे हो कि कितना कुछ कुछ हो जा रहा है तो रूपाली इंपॉर्टेंट नहीं है कृष्णा इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर आप सर्वेंट बनोगे कृष्णा जी का अपने अंदर से मी को डिलीट कर दोगे तो कृष्णा जी की एनर्जी आप में से फ्लो करेगी तो आपके थ्रू भी ये सारी चीजें होने तो हीरोइन है ही नहीं स्टोरी की कृष्णा जी हीरो है so, तो सो वृंदावन इज एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड एज इट इज बाई पर्सन स्टॉप ट्राइंग टू डिराइव प्लेजर फ्रॉम मेटीरियल एंजॉयमेंट ठीक तो जिनो जिनको मेटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट से कोई मतलब नहीं है वही एक्चुअली वृंदावन को एक्सपीरियंस कर सकते। जो में अभी भी फंसे हैं, वो वृंदावन को नहीं समझ पाएंगे वेन विल माई माइंड बिकमेंड ऑफ ऑल हैंकरिंग ऑफ मेटेरियल एंजॉयमेंट सो दैट आई विल बी एबल टू सी वृंदावन वन ग्रेट डिवोटी आस्क एक बहुत महान भक्त ने पूछा कि कब मेरे दिमाग से ये सारा हैंकरिंग, हैंकरिंग मतलब ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए वाली जो फीलिंग होती है कब ये सब निकल जाएगा कि मैं एक्चुअली वृंदावन को देख पाऊंगा द मोर कृष्णा कॉन्शियसनेस कॉन्शियस भी बिकम एंड द मोर वी एडवांस द मोर एवरीथिंग इज रिवील्ड एज स्पिरिचुअल जितना ज्यादा एडवांसमेंट हमारी होगी उतना ज्यादा हमें ये पता चलेगा राधा रानी एंड कृष्णा वृंदावन और ज्वेल्स तो क्या कृष्णादास गोस्वामी ने क्या डिस्क्राइब किया है कि हमारे यूपी वाला जो वृंदावन है वही सेम है गोलाक वृंदावन जैसे और वहीं पे राधा रानी और श्री कृष्णा बैठे हैं कल्प वृक्ष के नीचे जिसपे एक, एक सिंहासन पे बैठे हैं जो बहुत ब्यूटीफुल ज्वेल्स मतलब रत्न रत्न से जड़े हुए हैं ऐसे सिंहासन पे बैठे हैं देयर कृष्णाज डियर फ्रेंड्स द काउहर्ड बॉयज एंड द गो सर्व राधा कृष्णा बाई सिंगिंग डांसिंग ऑफरिंग बीटल नट्स एंड रिफ्रेशमेंट्स एंड डेकोरेटिंग लॉर्डशिप विथ फ्लावर्स तो वहाँ पर सारे गोपी और ग्वाला सब लोग राधा कृष्णा की सेवा करते हैं है, सुपारी देते हैं उनको और, और भी खाने की चीजेंगे जुलाई जुलाई में भी वृंदावन में ऐसा कुछ होता है जनरली एट दैट टाइम पीपल गो टू वृंदावन टू ऑफर द रिस्पेक्ट इज उसी टाइम पे वृंदावन में लोग जाते हैं अपना Uh, पूजा करने के लिए बेसिकली okay? so, हम लोग हैं पेज नंबर फिफ्टीन पे मन नहीं कर रहा ना रुकने का लग रहा है सिर्फ बोलते रहो ठीक है मैं क्या करूंगी ये सेशन खत्म करके एक नया सेशन स्टार्ट कर दूंगी अदरवाइज किस किस का छपड़ा उड़ जाता है पता है नहीं ना लोग इतना ले नहीं पाते बट ये तो बहुत इजी था आज के सेशन में सब से भारी कुछ था ही नहीं बट मुझेट आई एम यूर इटर देर इज एक्चुअल एक्सेप्टेंस ऑफ द सर्विस एंड देर फॉर हीशनल डीटी तो Okay, let me read further. The Gopinath deity is Krishna as master and proprietor of the gopis. He attracted all the gopis or cowherd girls by the sound of his flute, and when they came, he danced with them. These activities are all described in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. These gopis are childhood friends of Krishna and they were all married. For in India, the girls are married by the age of 12. The boys, however, are not married before 18. So, Krishna, who was 15 or 16 at that time, was not married. Nevertheless, um, he called these girls from their homes and invited them to dance with him. This dance is called Raslila dance and it is the most elevated of all the Vrindavan pastimes. Krishna is therefore called Gopinath. बिकॉज इज द बिलवीस ये समझा करविराज गोस्वामी जी ने बताया वो तीन uh, मूर्तियों के बारे में जो की मंदिरों में है और उन्होंने समझाया कि मदन मोहन uh, जी की जो मूर्ति है वो हमें हेल्प करते हैं समझाने के लिए कि हमारा कृष्णा के साथ क्या रिश्ता है तो क्या कृष्णा के साथ रिश्ता है हमारा कि आई एम योर इटर्नल सर्वेंट मैं जन्म जन्मांतर से आप मतलब दास हूँ रिलेशनशिप ये, ये है विद गोविंद गोविंदा वाला दूसरा डिटी है और इसीलिए इनको गोविंदा इसीलिए उनको फिर फंक्शनल डिटी भी बोला जाता है तो गोपीनाथ डेटी जो है जो गोपीनाथ का जो मूर्ति है वो है मास्टर ऑफ ऑल द गोपीज मतलब गोपीज के जो गोपी थे उनका जो मास्टर है मतलब उनका जो लॉर्ड है उसके हिसाब से गोपीनाथ डीटी वहां पर स्टेब्लिश है तो वही क्या करते हैं वो पांसुरी बजा के सारे गोपीज को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं बाकी सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है रासलीला लीला वो अम्म वो समझने में थोड़ा भी टाइम लगेगा आप सबको उसमें अभी बाद में जाएंगे उंड ऑफ फ्लूर ऑफ चैतन चरित प्रेस दैट ही रीडर्स माइंड बाय हिस ट्रांसीडेंटल वाइब्रेशन तो कृष्णादास जी कहते हैं कि जैसे गोपीनाथ अपना बांसुरी बजाकर सारे गोपियों को अपने तरफ बुलाते थे और फिर उनके साथ रासलीला करते थे रासलीला इज अ ट्रांससीडेंटल डांस मतलब वो एक प्रेम है वो एक आप इसको बस ऐसे नृत्य मत समझिए कि प्रेम को प्रकट करने का या प्रेम को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं तो गोपी और कृष्णा का मेथड था विद ये वाला डांस जिसमें वो वो प्रकट करते थे अपना प्रेम फॉर कृष्णा कृष्णा भी अपना प्रेम प्रकट करते थे गोपीज के लिए तो क्या ये गोपीस एक्चुअली सब दूसरे दूसरे आदमियों की बीवियां थी यहाँ पे बताया जाता है कि पहले इंडिया में 12 साल की बच्चियों को ही शादी करवा दी जाती थी और बारह साल एज तक यूज लड़कियों की शादी हो जाती थी लेकिन मेल्स की शादी 18 साल में होती थी और कृष्णा उस समय 14-16 साल के थे ऐसा कुछ तो उनकी शादी नहीं हुई थी ठीक है लेकिन वो लड़कियों की शादी हो गई थी तो जब वो बांसुरी बजाते थे वो गोपीज अपने हस्बैंड को छोड़कर जो आते थे इसको अभी की सोसाइटी बहुत गलत वे से भी देख सकती है कि वा, वा दिस? मतलब ये क्या चीज है लेकिन ऑलरेडी हम लोगों ने पहले ही देखा कि कृष्णा जी अपने पूरे वृंदावन को लेकर नीचे आए जिसमें व्रिंद, गोलभ वृंदावन को लेकर जो नीचे आए तो गोलभ वृंदावन की गोपियां वो ह्यूमन फॉर्म में आई और जब वो ह्यूमन फॉर्म में आई तो उनको सोसाइटी रूल्स के हिसाब से उनकी शादी वादी तो होनी पड़ेगी बट मैरिज रेस्ट्रिक्ट जस्ट बिकॉज सोसाइटी के हिसाब से उनकी शादी हो गई है तो क्या वो भक्ति को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते तो जो पीस इटर्नल सर्वेंट्स है कृष्णा के जो लक्ष्मी माक के स्वरूप हैं, उनको को कोई कोई बंधिश रोक सकता है नहीं रोक सकता तो जब कृष्णा जी बांसुरी बजाते हैं तो ये गो, गोपीज दौड़े चले आते हैं इंक्लूडिंग राधा माँ तो अब आप इसको इस दृष्टि से अगर देखो आपको लगेगा कि देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट इसलिए मैंने कहा ना ये सब लोग नहीं समझ सकते हैं इसको समझने के लिए आपको पहले भगवत गीता समझना पड़ेगा पहले कृष्णा जी को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा तब आप कृष्णा जी के प्रेम को समझोगे तब आप गोपी के प्रेम को समझोगे अब आप आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आई जस्टिस आपने देखा महाविष्णु कौन है महाविष्णु कृष्णा के पार्शियल एक्सपेंशन है इतने महान है कि उन्होंने सब कुछ क्रिएट किया सब कुछ क्रिएट किया गोपी को भी क्रिएट किया सब कुछ क्रिएट किया तो गोपी वो को वो जो क्रिएट करते हैं जब वो बांसुरी बजाते हैं तब वो गोपी अपने घर से निकल कर आती है और अपने क्रिएटर के साथ नृत्य करती है जिसमें प्रेम का आदान प्रदान होता है अम्म लव एक्सप्रेशन होता है जिसको रासलीला कहा जाता है तो क्या ये रासलीला कुछ गंदी चीज है क्या इस रास लीला में materialistic contamination of lust है? नहीं है ना इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग नहीं समझते हैं फिर वो ऐसा गाना निकालते हैं ना मैं करूँ तो कृष्णा करे तो रास लीला मैं करूँ तो कैरेक्टर ढिला यू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद कृष्णा कृष्णा के पार्शियल मैनिफेस्टेशन है महाविष्णु जो इस यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं वो सांस लेते हैं तो सारे यूनिवर्सेस उनके अंदर एक यूनिवर्स नहीं सारे यूनिवर्सेस उनके अंदर वो सांस छोड़ते हैं तो सारे यूनिवर्सेस उनके बाहर ये एक ब्रेथ से है, सोचो उनका पूरा ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन है ऑफ हंड्रेड इयर्स, तो ब्रह्मा जी फिर वो बनाते हैं सब कुछ सृष्टि वृष्टि सब कुछ वो अगर बांसुरी बजाकर अपने क्रिएशन को बुलाते हैं फिर वो क्रिएशन इस मेटेरियलिस्टिक लाइफ के रूल्स के हिसाब से मैरिड हो अनमैरिड हो विडो हो कुछ भी हो वो अगर दौड़ी चली आती है और अपने क्रिएटर के साथ नृत्य करती है कैन दिस बी रॉन्ग नो दिस इज इश्क दिस इज भक्ति दिस इज लव और वो सारी गोपीज में भी है हमारे अंदर भी उनका अंश है तो जब हम कृष्णा जी की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं इन एनी वे कोई कोई कृष्णा जी को अपना दोस्त समझता है कोई कृष्णा जी को अपना लवर समझता है कोई कृष्णा जी को अपना हस्बैंड समझते हैं मैं कृष्णा जी को अपना मास्टर समझती हूँ जिस भी फॉर्म में कोई कृष्णा जी को अपना बच्चा समझता है बाल गोपाल रूप में जिस भी फॉर्म में आप कृष्णा जी के तरफ अट्रैक्टेड होते हो क्या वो कभी गलत हो सकता है क्या ये सोसाइटी के रूल्स आपको गलत साबित कर सकते हैं क्या कृष्णा की भक्ति कभी गलत हो सकती है नहीं हो सकती आज के इस लेक्चर से ये बात समझ लीजिए ये आपने समझ लिया तो बहुत बड़ी बात आप समझ लेंगे ठीक है तो रासलीला को समझना है तो आपको ये रिलेशनशिप समझना होगा जो कृष्णा का दास कविराज समझा रहे हैं जो मदन मोहन जी ने हमें अभी अभी हेल्प किया समझने को कि हमारा रिश्ता क्या है कृष्णा जी से जैसे हम हमारा रिश्ता समझ लेंगे तभी हम ये बाकी सारी चीजें समझ ले सकते हैं तो अगर आपके घर में आपको रोका जा रहा है कृष्णा भक्ति से आपको रुकना चाहिए क्या खुद आंसर करिए इस क्वेश्चन को किसके साथ आपका रिलेशनशिप इटर्नल है ये टेम्पररी रिलेटिव आपके आसपास के कार्मिक अकाउंट्स आपके या वो महाविष्णु जो कि कृष्णा के पार्शल मैनिफेस्टेशन है उनके साथ आपका रिश्ता है अगर आप इंटेलिजेंट है आपको इसका आंसर मालूम है ठीक है सो एंजॉय कृष्णा भक्ति वाह हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया यहाँ पर दैट इज एक्सिलिश्ड इंट्रोडक्शन और अब हम चैप्टर वन से शुरू करेंगे आदि लीला चैप्टर से सो वेल डन ऑल ऑफ यू इंक्लूडिंग मी हमने अभी इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया अच्छा लगा होप आप अपनी पोजीशन समझ पाए कृष्णा जी के साथ कृष्णा जी के लाइफ में आपकी पोजीशन समझ पाए अपने लाइफ में कृष्णा जी की पोजीशन समझ पाए अगर मैं ये समझा पाए आपको मेरा काम डन सो so, थैंक uh, यू बोलते हैं मुझे पता है खत्म करने का मन नहीं कर रहा और जान और पढ़ने का मन कर रहा देखती हूँ मैं एक और सेशन अभी लग, लगे हाथ ये अपलोड करने के बाद अगर मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ तो आई ट्राई माई बेस्ट अगर और कोई ऑप्शिकल ना है और कोई टिंग पांग ना बजे ठीक है so, सो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी गौरव भक्त वृंदा बोलो श्री प्रभुपात की जय थैंक यू सो मच आज का सेशन इतना अच्छा था प्रभु मेरा रोम रोम नाच रहा है मैं अपने हर एक सेल में आपको फील कर पा रही हूँ मतलब मजा आ गया प्रभु आपने जो रिलेशनशिप बता दिया आज और मदन मोहन प्रभु आपने थैंक यू सो मच आपकी कृपा मैं अभी फील कर पा रही हूं। ऐसी अनुभूति मुझे पहले नहीं हुई आई I मीन mean, मुझे हमेशा से पता था कि आप ही क्रिएटर हो उसका मुझे कुछ डाउट नहीं लेकिन आज जो आपने जो नॉलेज दिया और वो नॉलेज मेरे आत्मा में और डीपली गया उसके लिए थैंक यू सो मच और कविराज जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कि इतने ओल्ड एज में आप अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आकर ये चैतन्य चरित्र मिता हमारे लिए लिखा आपने तो आपको भी कोटि कोटी, -कोटी प्रणाम सारे गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम थैंक यू सो मच राधा कृष्णा फॉर दिस वंडरफुल नॉलेज सबको हैप्पी न्यू ईयर ये साल जैसा भी कटा हो अच्छा बुरा has taken us one step towards Krishna. ये याद रखेंगे हर एक प्रॉब्लम हमको कृष्णा जी के तरफ एक कदम लेकर जा रहा है सो so, हम लोग बुरा नहीं फील करेंगे 2023 बहुत अच्छा रहेगा हम सबके लिए कृष्णा जी कृपा करिए प्रभु कि हम आपके पास और कदम बढ़ा सके हम अब से यही डिफाइन करेंगे हो सकता है वी लूज पीपल हो सकता है वी लूज मैनी थिंग्स इन लाइफ पर प्रभु आप मत छोड़ना आप अपने चरणों में जगह हमेशा देना और आप हमें पकड़ के रखना हमारे नालायकी का कोई भरोसा नहीं है प्रभु हम कब क्या नालायकी कर दे बट प्रभु आप पकड़ के रखना प्लीज ये 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 कृपा बस बनाए रखना प्रभु राधे कृष्णा बाय बाय एवरीबॉडी टेक केयर हरे कृष्णा